हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेंडिंग न्यूज़ पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं, आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश के कुछ मुख्य समाचार लेकर आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। हिमाचल में निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने के निर्देश दिए गए हैं, आइए विस्तार से सुनते हैं। निजी स्कूलों की ओर से सभी फंडों समेत ट्यूशन फीस वसूलने के मामले में अभिभावकों के लिए राहत की बात है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, याद रखिए आपको जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है, तो याद रखिएगा जो हमारे हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं वो है गोविंद सिंह ठाकुर। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सभी निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के ही निर्देश दिए हैं। उन्होंने निदेशालय और उपायुक्त शिमला को भी यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। हालांकि जिन स्कूलों ने सारी फीस वसूली है वह रिफंड होगी या नहीं अभी तक तय नहीं हुआ है। निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान अभिभावकों से मिलने पर शिक्षा मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मार्च तक सरकार निजी स्कूलों पर अंकुश लगाने के लिए एक उचित कानून बनाएगी। शिक्षा मंत्री से मिले डीएवी न्यू शिमला, डीएवी लक्कड़ बाजार, दयानंद पब्लिक स्कूल और अन्य स्कूलों के अभिभावकों हरिशंकर तिवारी, हमिंदर सिंह धोटा, सालू नेगी कहा कि उन्हें मंत्री से सकारात्मक जवाब मिलने के बाद उम्मीद है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। इसी के साथ स्कूलों में मल्टी टास्क वर्कर भर्ती के लिए नियमों में संशोधन, इन शर्तों को करना होगा पूरा, आइए विस्तार से सुनते हैं। हिमाचल प्रदेश में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती के लिए स्कूल से घर की दूरी का सर्टिफिकेट लाना होगा। पहले प्रमाण पत्र की शर्त नहीं थी, इसके लिए अभ्यर्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और शहरी क्षेत्रों में कार्यकारी अधिकारी से प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किया है। इस भर्ती में स्कूल से घर की दूरी के हिसाब से 2 से 10 नवम्बर मिलेंगे। याद रखिएगा, इस भर्ती में स्कूल से घर की दूरी के हिसाब से 2 से 10 नवम्बर मिलेंगे। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 7852 पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर नियुक्त किए जाने हैं। इसके साथ ही एसडीएम की अध्यक्षता वाली चयन कमेटियाँ नियुक्तियां करेगी। इन वर्करों को प्रतिमाह 5625 रुपये वेतन मिलेगा। नियुक्तियां करने से पहले स्कूल और पंचायत के नोटिस बोर्ड पर विज्ञापन लगाए जाएंगे। अभ्यर्थियों को खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पास सादे कागज पर आवेदन करना होगा। स्कूल को खोलना और बंद करना, परिसर और कक्षाओं में सफाई करना, पीने के पानी का इंतजाम करना और स्कूल की डाक को अन्य विभागों में पहुंचाना आदि इनका काम होगा। एसडीएम की अध्यक्षता वाली चयन कमेटी में खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, सचिव होंगे। घर से जितना पास होगा स्कूल उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, आइए देखते हैं। वर्कर के घर से स्कूल की दूरी के आधार पर 10 नंबर होंगे। इसमें 1.5 किलोमीटर के दायरे वाले आवेदक को 10 नंबर दिए जाएंगे, 2 किलोमीटर दायरे पर 8, 3 किलोमीटर पर 6, 4 किलोमीटर पर 4 और 5 किलोमीटर की दूरी पर 2 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा 5वीं कक्षा पास को 5 नंबर, 8वीं पास को 8 नंबर मिलेंगे। कुल 30 नंबरों के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को लगा है बड़ा झटका, 10 दिन में 100 रुपये महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर, आइए देखते हैं। बिहार और हैदराबाद के चुनाव समाप्त होते ही गैस कंपनियों ने उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दे दिया है। 15 दिनों के भीतर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपये बढ़ गए हैं। 1 दिसंबर को लगातार 4वें माह घरेलू सिलेंडरों के दाम नहीं बढ़े थे। पहले 2 दिसंबर और मंगलवार 15 दिसंबर को 50-50 रुपये की बढ़ोतरी की गई। हिमाचल प्रदेश में अब उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर 791 रुपये में मिलेगा, जबकि सब्सिडी की राशि अभी स्पष्ट नहीं हुई है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम भी 35 रुपये बढ़ने के साथ अब 1439 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को दिसंबर में होम डिलीवरी के साथ सिलेंडर 691 रुपये में पड़ रहा है। 31.83 रुपये सब्सिडी मिल रही थी, अब उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी सहित 791.50 रुपये चुकाने होंगे। स्थानीय गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि
राष्ट्रीय स्तर पर ही दाम में बढ़ोतरी हुई है। आज की हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचार होते हैं समाप्त। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।